व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी? देखो इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी आप न्यूज आर्टिकल्स या फिर कोई भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ रहे होगे तो उसमें इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जैसी टर्म्स आपको देखने को मिली होगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जो है वो दोनों एक ही टर्म है, दोनों का एक ही मतलब होता है। बट ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आज हम लोग समझते हैं कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। देखो इंसॉल्वेंसी ये होता है कि कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कंपनी किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से या फिर अदर पार्टी से लोन लेती है, यानी कि पैसा कर्ज लेती है और टाइम पे, याद रखना, टाइम पे उस कर्ज को रीपे नहीं कर पाती है, कर्ज अदा नहीं कर पाती है, उस टाइम को हम इंसॉल्वेंसी कहेंगे और जो पर्सन जिसने कर्ज लिया है उसे इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग बैंकरप्सी के बारे में। देखो बैंकरप्सी वो टाइम होता है जब वो पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कंपनी बहुत लंबे समय तक लोन नहीं दे पाती है, अपना कर्ज अदा नहीं कर पाती और एक टाइम पे ये बोल देती है कि मेरे पास पैसे है ही नहीं जो मैं अपना कर्ज अदा कर पाऊँ, अब इसके लिए चाहे जो आप कर लो, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तब ये मैटर कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी और तब लेंडर्स को ये बोल देगी कि आप इसको अभी परेशान मत करो, अभी जो है जो बैंकरप्सी वाला मामला है अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और सच में ये पर्सन लोन देने के लिए केपेबल है या नहीं ये हम देखेंगे। कोर्ट क्या करेगी, उस इंसान के ऊपर सारी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, एसेट्स, वो सारी चीज़ देखेगी और अगर ये साबित हो जाता है कोर्ट में कि वो इंसान सच में उस कर्ज को रीपे नहीं कर पाता है तब वो बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि तब जो है वो लिया गया लोन, वो लिया गया पैसा जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा, फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इंसॉल्वेंसी जो है वो इनिशियल स्टेट है लेकिन बैंकरप्ट जो है वो लास्ट स्टेट है। इंसॉल्वेंसी से हम रिकवर कर पाएंगे लेकिन बैंकरप्ट से हम रिकवर नहीं कर सकते। आई होप दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो समझ में आ गई होगी आपको। बट इफ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो।